हेलो स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट आपका, तो स्टूडेंट आप लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक थी जिसमें आपके 7000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है स्टूडेंट आप लोगों का, और ये बुक स्टूडेंट आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज बनाई हुई बुक है। कहने का मतलब आप लोगों का कि हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सेपरेटली ब्रेक करके फिर सब्जेक्ट के बाद आप लोगों के प्रॉपर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस सेपरेटली इस बुक में रखे गए हैं, और ये बुक आप लोगों के अवेलेबल हो चुकी है स्टूडेंट। ये बुक अब आपके लिए आ चुकी है। बुक को परचेज करने के लिए स्टूडेंट आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं, दो वेबसाइट्स हैं, www.kedarpublication.com या फिर आप इस वेबसाइट www.eadbooks.in, इस वेबसाइट या इन दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट से आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं। फर्दर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी भी अदर प्रकार की क्वेरी के लिए आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इस सेशन में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि हमारी इस बुक में क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, क्या क्या खासियतें ऐसी कि जो अदर बुक्स से आप लोगों को इसको स्पेशल बनाती हैं, जो चीज़ें आप लोगों को अदर बुक्स में नहीं मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों की, मैंने यहाँ आप लोगों का इस बुक के कवर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह से हमारी ये बुक का कवर है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जितने भी हमारे जेई लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो इसरो है, चाहे वो RRB है, IOCL है, NPCIL है, ठीक है, NSPC है, TSDC है, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सभी के लिए ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक है। सभी के लिए ये बुक आप लोगों को हेल्प करता है। अब देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें कंटेंट में क्या क्या चीज़ें, अगर मैं यहाँ इंडेक्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से आपका सब्जेक्ट को तोड़कर आपके हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस रखे गए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जिसे हम कहते हैं, तो आपका प्रॉपर चैप्टर कि सेमी कंडक्टर, फिक्स फिर जंक्शन डायोड, स्पेशल पर्पज डायोड, BJT, फिर FET, फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर, तो इस तरह से। और ऐसे ही आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट आपका, तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो बुक का है वो कुछ इस तरह से ब्रेक है। फिर ऐसे ही आप लोगों का ये सेकेंड सब्जेक्ट है, ठीक है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका, तो ये भी चैप्टर वाइज प्रॉपर इसी तरह से आपका बुक में है। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट आपका, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन जो हमारे इसरो के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी भी जाती है, ठीक है, इसरो में पूछी जाती है। UPMRC का आप एग्जामिनेशन देते हैं तो वहाँ पर भी ये आपको क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी बेसिक मशीन के क्वेश्चंस आप लोगों के रखे गए हैं। साथ ही साथ इसी के बाद फिर फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो मटीरियल साइंस आपका, ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज आपका प्रॉपर तोड़ा हुआ है। फिर सिग्नल एंड सिस्टम है स्टूडेंट आप लोगों के, और सिग्नल एंड सिस्टम के डिफरेंट चैप्टर्स को आप देख सकते हैं कि प्रॉपर आप लोगों का हर एक चैप्टर को अलग अलग ब्रेक करके फिर उसके क्वेश्चंस को रखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट आप लोगों का कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम आपका। फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है स्टूडेंट आप लोगों का, ठीक है। फिर इसी तरह से ये आप देख भी सकते हैं, प्रॉपर हमारी बुक का इंडेक्स की ही पिक्चर है स्टूडेंट आपकी। फिर आगे अगर मैं दिखाता हूँ तो ह्यूमन वैल्यूज UPPCL UPRVNL में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अक्सर, ठीक है। फिर मेजरमेंट है स्टूडेंट आप लोगों का, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन आ गया। फिर 11th सब्जेक्ट को अगर मैं देखता हूँ तो EMFT या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसरो के एग्जामिनेशन के लिए ये सब्जेक्ट भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसी तरह से एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन भी आप लोगों का इस बुक में है। नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर मैं देखता हूँ तो IC टेक्नोलॉजी जिसे हम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं, आपकी VLSI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही फिर आप लोगों का 14th जो सब्जेक्ट है, 14th जो सब्जेक्ट है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। 15th सब्जेक्ट स्टूडेंट आप लोगों का एनालॉग कम्युनिकेशन। फिर 16th सब्जेक्ट आप लोगों का डिजिटल कम्युनिकेशन है। 17th सब्जेक्ट आप लोगों का डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है। ऐसे 18th सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर का जनरल क्वेश्चन आप लोगों का आपने देखा भी होगा, चाहे RRB JEE की बात करूँ मैं, ये डिफरेंट, चाहे वो UPMRC का SCTO का एग्जाम हो या डिफरेंट जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं। अभी IB का एग्जाम हुआ था तो लगभग पूरा कंप्यूटर ही पूछा गया था, तो वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी स्टूडेंट आपके यहाँ पर इस पर कंप्यूटर फंडामेंटल के भी हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों की, ये अगर मैं लेकर भी चलता हूँ यहाँ से, अगर मैं बात कहता भी हूँ तो ये हमारी ये जो बुक है इसमें आपकी ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई स्टूडेंट आपकी। 19th सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो सी लैंग्वेज हो गया, C++ लैंग्वेज हो गया आप लोगों का, ठीक है, तो उसके भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके इस बुक में अवेलेबल हैं। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, VHDL हो गया आप लोगों का। VHDL इसरो के ही एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहां पर क्वेश्चन आप लोगों को, चाहे वो VSSC सेंटर का हो, URSC सेंटर का हो, जनरल क्वेश्चन आपके एम्बेडेड और VHDL से अक्सर पूछता भी है।
नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट आप लोगों का 23rd सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर। आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली डिटेल में आपका हर एक चैप्टर को तोड़कर फिर ये क्वेश्चंस आपके रखे गए हैं। ऐसे ही माइक्रो कंट्रोलर के भी आप लोगों का डिफरेंट चैप्टर्स में आपका क्वेश्चंस रखा है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, यहाँ से भी या सैटेलाइट हो गया या मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, तो हर एक सब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ इस बुक में रखे गए हैं। ऐसे ही 29th सब्जेक्ट को मैं देखता हूँ तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है स्टूडेंट आपका, ये टेलीविजन हो, माइक्रोफोन हो, LED हो, LCD हो, सबके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। फिर ऐसे ही माइक्रोवेव इंजीनियरिंग भी आप लोगों का यहाँ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आपका 31st सब्जेक्ट आप लोगों का रडार एंड नेविगेशन या रडार कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, PLC स्काडा मैटलैब। अभी आप लोगों ने कई स्टूडेंट ने URSC का एग्जाम दिया तो PLC के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के लगभग एग्जामिनेशन में रहते हैं, भले वो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे। क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी टेक्निक और आप लोगों का कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन, UPMRC के एग्जामिनेशन के 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आप लोगों को नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपके 34 सब्जेक्ट की ये बुक है स्टूडेंट आपकी, 34 सब्जेक्ट की ये बुक है। इसमें आप कई सब्जेक्ट ऐसे देख रहे होंगे कि जो आपको जनरल सिंगल बुक में या नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलते, जैसे यही हो गया कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, क्वालिटी रिलायबिलिटी टेक्निक हो गया, PLC स्काडा हो गया, रडार हो गया आप लोगों का, ऐसे आपका माइक्रोवेव हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, ये सैटेलाइट मोबाइल कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर, ये आप लोगों का अगर नॉर्मल बुक में देखते हैं तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में ही सारा मिक्सअप दिया रहता है। यहां आप देख रहे होंगे इस बुक में कि ये सब्जेक्ट्स को अलग रख के प्रॉपर उनके अंदर भी हमने चैप्टर वाइज चीजों को ब्रेक किया, यहां बारीकी से ब्रेक किया है हर एक चैप्टर को और फिर उसके अंदर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने रखा है। तो 34 सब्जेक्ट्स इस सिंगल बुक में स्टूडेंट आप लोगों को मिल रहे हैं, 34 सब्जेक्ट आप लोगों के यहां पर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को मिल रहे हैं इस एक बुक में, ठीक है। आपको अलग अलग बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सिंगल बुक में। मैंने कहा भी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको नॉर्मली बुक्स में मिलेंगे भी नहीं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके कुछ क्वेश्चंस इस बुक में अगर मैं कहूँ स्टूडेंट आपके, तो एज इट इज प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के उठाए हुए हैं, जिन पर आपका एग्जाम का टैग भले ही नहीं लिखा है पर वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन इस सिंगल बुक में स्टूडेंट आपका। 7000 से ज्यादा क्वेश्चंस इस बुक में है, ठीक है। पुरानी जो बुक थी उसी का अपडेटेड वर्जन है, तो जिन स्टूडेंट्स के पास पहले आप परचेज कर चुके हैं तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। बाकी बुक को परचेज करने के लिए स्टूडेंट आप लोग हमारी वेबसाइट www.kedarpublication.com या फिर www.eadbooks.in, इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह की और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को कह दूं स्टूडेंट कि आप देख भी रहे होंगे कि DSP कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, या खासकर अगर मैं इन लास्ट के बाद के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और बुक को उठा लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इतना अच्छा कलेक्शन आप लोगों को सिंगल बुक में, एक ही बुक में नॉर्मली अवेलेबल नहीं होगा। तो आप इस बुक के स्पेशलिटीज को जरूर देखें, इस बुक के अलग से फीचर्स को जरूर देखें कि ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों को गूगल पर भी ढूंढने पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, खासकर UPMRC के ये 2 सब्जेक्ट्स या ये 3 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ से आपका क्वेश्चन हर बार इस सिलेबस में मेंशन टॉपिक्स आपके हैं, सिलेबस में मेंशन ये आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए और अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारी इस बुक को जरूर परचेज भी करें। और बाकी स्टूडेंट्स को भी आप लोग जरूर सजेस्ट करें कि एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक जिसमें सिंगल बुक में ही सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को अवेलेबल कराया गया है। मैंने यहाँ आपको दिखाया भी था। अच्छा, ये मैं एक और बात आप लोगों को दिखा दूं कि नॉर्मल अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इस तरह से आप लोगों का कंटेंट इस बुक में है। आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो प्रॉपर, जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन तो प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा, यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो पहले प्रॉपर फॉर्मूला, फिर उसमें हर एक वैल्यूज को पुटअप किया गया है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की भी बात करता हूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो प्रॉपर स्टेप वाइज उसे समझाते हुए पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करके यहाँ एरो लगाकर समझाया है, फिर प्रॉपर लिखा है कि कहां KCL किस नोड पर है। इस तरह से एक-एक क्वेश्चन को आप लोगों का विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों का यहां प्रोवाइड है। ऐसे आप और भी आगे देख सकते हैं कि जैसे आपका
कंट्रोल सिस्टम का ये एक सिंगल सा क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर इक्वेशन बना के यहाँ फॉर्मूला दिखाया गया है, फिर उस फॉर्मूले को पुटअप किया गया है। ये ऐसे ही जैसे किसी एनालॉजी की बात की कि अगर आपको क्वेश्चन जैसे नॉर्मल पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, करंट फोर्स करंट एनालॉजी, तो आपको ऐसा नहीं कि सिंगल ऑप्शन को ही समझाया है, हर एक ऑप्शन को आपको डिटेल में कि अगर क्वेश्चन यहां से पूछा गया तो अगली बार क्वेश्चन ये वेलोसिटी भी पूछ सकता है, स्प्रिंग एलिमेंट पूछ सकता है, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोगों का इस तरह से डिटेल में इस बुक में आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट को शेयर जरूर करें आप लोग इस इंफॉर्मेशन को भी, इस बात को भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की एकमात्र ऐसी बुक जिसमें आपको इतना अच्छा और डिटेल्ड और बहुत ही ब्रीफ मैनर में और सिंपल लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी परचेज नहीं किया है, क्योंकि आपका स्टॉक लिमिटेड है, मैं आप लोगों को बता दूं फिर से, जैसे लास्ट टाइम भी काफी स्टूडेंट बाद में कॉल करते रहे कि सर एक बुक अवेलेबल करा दीजिए, तो इसलिए मौका अभी है, आप अभी बुक को परचेज कर लें, बुक को अभी आप खरीद लें। लगभग आप लोगों के 5 से 8 दिन वर्किंग डेज को काउंट करके बुक आपके घर पर पहुंच जाएगी, बाकी नियर बाय एड्रेस पर तो और भी जल्दी डिलीवर हो जाता है। तो बुक को परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें आप लोग, ठीक है, और इसी तरह से हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों के पास है, तो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें स्टूडेंट, आप लोग जुड़े रहें इसी तरह से, अच्छे से तैयारी करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आईवीएस के आगे जो आपके एग्जाम आ रहे हैं वो आप लोगों के लिए खूब सारे खुशियों के साथ सिलेक्शन जरूर लेकर आए। तो आज की यही इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी, और आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को और आगे जरूर शेयर करें, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।